विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। आप सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने पिछले एपिसोड में हमने मिथुन लग्न की चर्चा की थी और हम अब चर्चा करेंगे कर्क लग्न के विषय में। कर्क लग्न स्त्री संज्ञक राशि है और चर लग्न है जिनका स्वामी स्वयं चंद्रमा है। भगवान देवगुरु बृहस्पति इस पांच अंश पर उच्च में होते हैं और मंगल देवता इसी राशि पर 28 अंश पर नीच के होते हैं। ये राशि बहुत ही सुंदर राशि और लग्न मानी जाती है। इस जातक के भगवान श्री राम जी थे इसी कर्क लग्न के। इतना सुंदर स्वभाव और उत्तम व्यक्तित्व, देखने में आकर्षण, नेत्र बड़े ही सुंदर। और उत्तर दिशा की ये स्वामिनी राशि होती है कर्क लग्न। कर्क लग्न के जातक बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं और सहनशीलता इसमें दिव्यमान होती है। इनका जो प्रभाव है वो हृदय पर पड़ता है, वक्षस्थल पर कर्क का प्रभाव पड़ता है। जो वक्षस्थल संबंधी, हृदय संबंधी रोग का भी विचार किया जाता है, सर्दी जुखाम इत्यादि का भी ये कर्क राशि कारक होती है। इनका कर्क लग्न वाले जातकों का वातावरण के अनुसार स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, परिवर्तन, बदलाव आते रहते हैं। ये जातक बड़े ही धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं। इनका कद काठी कभी कभी चंद्रमा के अनुसार, अगर क्षीण इनका जो चंद्रमा की स्थिति पे निर्भर करता है, कभी कभी अच्छे लंबे और उसके होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, बहुत ही जल्दी किसी के प्रेम में आ जाते हैं। इस कर्क लग्न की स्त्रियां भी बहुत ही शुद्ध पवित्र चरित्र की होती हैं और सहनशीलता इनमें बहुत होती है। इस लग्न के जातक देखने में बहुत ही आकर्षण इनमें होता है और नेत्र भी इनके बहुत ही सुंदर होते हैं। इस लग्न के जातक मिष्ठान प्रिय होते हैं, भावुकता लिए होते हैं और स्वजनों से बहुत जल्दी इनका संबंध हो जाता है, बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं, बहुत ही जल्दी अपने मित्र बना लेते हैं। कद काठी के बहुत लंबे नहीं होते हैं, कुछ मझोल, और इनकी देह बहुत पुष्ट होती है, वक्षस्थल भी बहुत ऊंचा होता है और बड़े ही अपने कार्य में निपुण होते हैं, दक्ष होते हैं। कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा होने से चंद्रमा की स्थिति पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि चंद्रमा अगर लग्न में है, चंद्रमा धन भाव में है, चंद्रमा किस भाव में लग्नेश होकर के गोचर किया है, उसका भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए कर्क लग्न के जातक बड़े ही उदार व्यक्तित्व के होते हैं। इस लग्न के लिए मंगल बड़ा ही अच्छा फल देने वाला होता है। मंगल क्योंकि पंचमेश और दशमेश होने से मंगल कर्क लग्न वालों के लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला होता है और मंगल और बृहस्पति का योग ये राजयोग कारक हो जाता है। इसलिए इस लग्न के लिए बृहस्पति और मंगल ये दोनों बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए इस लग्न में जातक को राजयोग के कई सुख भोगने को प्राप्त होते हैं। राजयोग संबंधी अधिकतर कर्क लग्न के जातक बहुत ही उत्तम स्वभाव वाले और दिव्य आभूषणों से, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित पाए गए हैं। कर्क लग्न स्वयं में
चंद्रमा की लग्न है और बहुत ही उत्तम लग्न है। कालर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम मानस है। 27 जून 1990 मेरा जन्म वो है, और मेरा जो जन्म समय है वो 5 AM है। कानपुर से हूँ मैं। नौकरी और विवाह से संबंधित प्रश्न है पंडित जी कि कब तक मेरा नौकरी लग जाएगी और विवाह का क्या बन रहा है। आपका मिथुन राशि और लग्न में ही सूर्य गुरु बुध तीन ग्रहों का योग है। आप नौकरी और विवाह के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? बहुत ही अच्छा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपकी वर्तमान समय में चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा द्वितीय होकर के पराक्रम में आप अपने साहस और बल से बहुत धन कमाएंगे। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा योग बना हुआ है। वर्तमान समय में थोड़ा सा द्वितीय मार्केश हो गया है, जिससे वर्तमान समय में थोड़ा 19 नवंबर 2022 तक थोड़ा सा चिंता बनी हुई है। आप टेंशनाइज रहेंगे, कार्य में आपका मन नहीं लग रहा है, और 2022 के बाद आपका जीवन बहुत ही उत्तम हो जाएगा। आप एक दिन सोचेंगे कि आप कितनी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। जिससे आपको उपचार क्या करना है, आप शिव जी की आराधना करिए। शिव जी, भगवान शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए आप चंद्रमा का उपचार करेंगे। और चंद्रमा में राहु का अंतर है, इसलिए राहु का भी थोड़ा सा पूजा करेंगे। ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का एक माला आप नित्य करेंगे, चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से एक माला आप नित्य आप समय निकाल करके करेंगे, जिससे आपका राहु ग्रह अच्छा हो। अगर आपके पास समय कम है राहु का एक माला करने का समय नहीं, तो आप 18 बार अपनी उंगलियों पर गिन के 18 बार राहु का जप कर सकते हैं। और या आप शिव जी की उपासना, शिव जी की नित्य हर प्रत्येक सोमवार को शिव जी की मंदिर में जाकर के शिव जी की आराधना करें, या अच्छे विद्वान से आप रुद्राभिषेक शिव जी का दूध से अभिषेक करावें, जिससे आपका कार्य सभी बनेगा, आपका मन स्थिर रहेगा और आपका मन किसी इधर उधर भटकेगा नहीं। एकाग्रचित होकर के आप ये उपचार करिए, आपको लाभ होगा। दूसरे कालर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खम्मागढ़ी पंडित जी, मैं छपरा राजस्थान से हूँ। 30 नवंबर 1960 में मेरा जन्म हुआ था, सुबह 5:32 पे। आचार्य जी, मेरा व्यवसाय और मेरा जो स्वास्थ्य है वो अक्सर ख़राब रहता है। मैं कोई भी नया व्यापार शुरू करता हूँ तो वो ख़राब हो जाता है, कोई उसके लिए उपाय बताइए। आपकी कुंडली हम देख पा रहे हैं, आपकी वृष लग्न है और चंद्रमा आपके द्वादश भाव में विराजमान है। वृष लग्न बहुत ही आप बहुत ही कर्मठ हैं, अपने काम के प्रति बड़े ईमानदार हैं। आपका जो विशेष प्रश्न है वो कार्य क्षेत्र को लेकर के है। आपकी 2020 जाते जाते आपकी राहु की दशा निकल चुकी है और आपकी गुरु की दशा प्रारंभ हुई है, जो कि गुरु आपका अष्टमेश है। अष्टमेश होकर के अष्टम में विराजमान है, इसलिए आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देंगे। स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि उसी में गुरु शनि और शुक्र तीनों ग्रह विराजमान हैं। लग्नेश भी होकर के उसी भाव में विराजमान है, इसलिए आपका कार्य बहुत अच्छे ढंग से नहीं चल रहा होगा। और आपके जीवन में कई बार उतार चढ़ाव की स्थिति आई है। कई बार आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चला और फिर रुक गया, फिर अच्छा चलने लगा फिर रुक गया, ये स्थिति कई बार आपको देखने को मिली होगी।
और अभी भी व्यापार संबंधी आप और स्वास्थ्य संबंधी आपने जो प्रश्न किया है, तो आपका व्यापार अब 2020 में दिसंबर से आपको लाभ होने की, क्योंकि राहु आपके लग्न में गोचर कर रहा है और राहु बहुत ही आपको साहस देगा, पराक्रम देगा कार्य करने के लिए। इसलिए आप एकदम चिंता ना करिए, आने वाला समय 2021 आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बस आपको क्या है कि थोड़ा सा आप राहु का उपचार करेंगे और आपकी जो दशा है वो बृहस्पति की, तो गुरु का आप पूजन नित्य करेंगे। गुरु को नित्य आप ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का एक माला आप जप करें और पीली चीज़ों का दान, ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, अपने घर में बुला करके दिव्य उनको भोजन कराइए, पीला वस्त्र उनको प्रदान कीजिए। ये आप कुछ बृहस्पति करेंगे आपका समय सही चलने लगेगा, क्योंकि वर्तमान समय में स्वास्थ्य को लेकर के, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताजनक बात है। इसलिए आप एकदम घबराइए नहीं और न परेशान होइए, आप ये उपचार करेंगे आपका सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपको क्या करना है, बृहस्पति की पूजा करनी है और थोड़ा सा राहु का उपचार, चिड़ियों को दाना डालना है, मछलियों को दाना खिलाना है। ये आप उपचार करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। इस उम्र में भी आपको अब अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम माही वर्मा है। मेरा जन्म 14 अगस्त 1987 को हुआ था और मेरा जो जन्म का समय है वो 7:40 है सुबह, और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी नौकरी और मेरे विवाह में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, कि कब तक मेरा विवाह और नौकरी लग पाएगी मेरी? आपका हम देख पा रहे हैं कि आपकी कन्या लग्न है और राशि आपकी मेष है। कन्या लग्न का स्वामी लग्नेश आपके बुध जो है ग्रह आय भाव में विराजमान है। ऐसे जातक बहुत ही उत्तम स्वभाव के होते हैं। स्त्रियों का अगर कन्या लग्न है तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छा, ऐसे विदुषी और बड़ी ही सुंदर स्त्रियां कन्याएं होती हैं कन्या लग्न में अगर उत्पन्न जाति का। आपका अभी तक अगर विवाह नहीं हुआ ये बड़ी ही चिंता का विषय है, क्योंकि आपका जो सप्तमेश है वो छठे भाव में, सॉरी अष्टम भाव में प्रवेश कर गया है। सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना, ये आपके कई बार ऐसा संयोग आया होगा कि आपके विवाह होते होते रुक जाना, या बातचीत होकर के टूट जाना, या मित्र बन करके टूट जाना, इस प्रकार कई बार आपके ऐसे योग आए हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। वर्तमान समय में आपकी जो दशा चल रही है चंद्रमा की दशा है और चंद्रमा आयुष होकर के अष्टम भाव में विराजमान है, तो आप शिव जी की आराधना करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में थोड़ा सा मंगल दोष भी है और मंगल दोष होने के कारण भी आपके विवाह में कई परेशानियां आ रही हैं, जॉब में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो आय भाव में विराजमान है, इससे आपको आय तो होती रहेगी घर में भाई से, पिता से, या आप खुद स्वयं कुछ न कुछ करेंगी, बिजनेस कर सकती हैं, इससे आपको आय होती रहेगी। और आपकी कुंडली बहुत ही अच्छी है, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा सा उपचार करें, शिव जी की आराधना, दूध से शिव जी को अभिषेक करें, किसी प्राण प्रतिष्ठित स्थल पे जाकर के, मंदिर में जाकर के शिव जी को आप दूध नित्य चढ़ा भी सकती हैं,
नित्य आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ऐसे देवता हैं जिनका स्मरण मात्र करने से सभी प्रकार के ग्रह शांत हो जाते हैं। कितना भी जातक परेशान है, अगर आप शिव जी की आराधना करते हैं तो सारे ग्रहों को शांत करने की शक्ति भगवान शिव में है। इससे आप एकदम हताश ना हो और भगवान शिव की आराधना करें, और नित्य भगवान शिव को अगर जल चढ़ा लें तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं नित्य कर सकते हैं तो शनिवार और सोमवार को दो दिन अवश्य भगवान शिव जी की आराधना करें, शिव जी पर जल चढ़ावें, दुग्ध चढ़ावें और दुग्ध से अभिषेक भी करें, जिससे आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो बन सकेंगे और आपको आगे जीवन में भगवान शिव जी सफलता प्रदान करेंगे। धन्यवाद। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम मनीषा सिंह है, मेरी जन्म तिथि 22 नवंबर 1991 है, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, काफ़ी परेशानी हो रही मुझे, तो आप बता सकते हैं मुझे क्या करना चाहिए? जी मनीषा जी, आपकी कुंडली हम देख पा रहे हैं, आपकी मिथुन लग्न है और राशि आपकी वृष है, और लग्न में ही आपके केतु ग्रह विराजमान है। चंद्रमा भी नीच राशि में विराजमान है। वर्तमान समय में आप थोड़ा सा परेशान हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम आप घबराइए नहीं। आपके विवाह में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आप परेशान न हो, क्योंकि तलाक के ऐसे कोई भी योग नहीं है। और आपसी प्रेम, देखिए पति पत्नी का जो आपसी संबंध है ये बहुत ही नाजुक होता है, और थोड़े से बात विवाद में अगर एक लोग थोड़ा सा शांत हो जाए तो बात बिगड़ेगी नहीं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी आपसी जो पति पत्नी का है ये 7 जन्मों का एक साथ रहने का वचन दिया जाता है कि एक साथ हम 7 जन्मों तक रहेंगे। तो इससे मन में इस तरह का कोई भी प्रश्न आपके जो मन में उठ रहा है ये ना हो, और आप एकदम जो हम उपचार बता रहे हैं उसको आप करेंगी तो आपको अवश्य लाभ होगा। जो वर्तमान समय चल रहा है थोड़ा सा आपका आपसी संबंधों को लेकर के दिक्कत चल रही है, जो विच्छेदक स्थिति बनी हुई है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपका विवाह टूटेगा नहीं। आप राहु का शांति कराओ, राहु ग्रह की आप घर में या मंदिर में जप करवाएं, और जप के बाद दुर्वा से हवन इत्यादि करावें, जिससे आपको ऐसी कोई भी दिक्कत आपके जीवन में नहीं आएगी। और वर्तमान समय थोड़ा थोड़े दिन तक अगर आप ध्यान दे दें, 2022 एक दो साल आपको अभी और संभल के चलना है, एक दो साल अगर आप संभाले रहें तो स्थिति बिगड़ेगी नहीं, और आपसी जो पति पत्नी का सामंजस्य आप बैठा के अगर चलेंगी तो आगे दिक्कत नहीं होगी। वर्तमान समय कुछ गड़बड़ चल रहा है, जो आप अपने हस्बैंड की भी कुंडली भेज करके आप उचित जानकारी ले सकती हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपकी कुंडली में अगर अरिष्ट ग्रह चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पति की कुंडली में ऐसे ग्रह अरिष्ट ना हो, अगर शुभ ग्रह हैं और तो ये स्थिति सुधर सकती है। इसलिए आप एकदम हताश ना हो, परेशान ना हो, जो समय चल रहा है वर्तमान समय थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा है, अभी सभी ग्रह इधर उधर उथल पुथल में चल रहे हैं, आने वाले समय में एक दो साल में आपकी स्थिति और अच्छी हो जाएगी, और फिर पूरा जीवन
आपका, क्योंकि आपकी 2023 में गुरु की महादशा आने वाली है और आपका समय बहुत अच्छा निकला है। इससे आप अभी से परेशान हो करके, चिंता कर करके अभी से अगर संभल गए, अधिकतर क्या होता है कि कुछ समय दिन है तो रात है और जन्म है तो मृत्यु है। इसी प्रकार जब समय मनुष्य का बदलता है, आज हमारा समय कुछ चल रहा है और कल हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, इससे कुछ समय जब हमारा ख़राब आता है उस समय में अगर हम अपने आप को संभाल लेते हैं तो आगे और भी अच्छा हमको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर इसी समय में हम घबरा जाते हैं, कोई ऐसा कदम उठा देते हैं जिससे कि हमारे जीवन में दिक्कतें आती हैं, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आने वाला समय आपको बहुत बेहतरीन है तो आप उसका इंतज़ार करिए और आनंद उठाइए। अभी कुछ समय आपका गड़बड़ चल रहा है जिसका हमने उपचार बताया है, आप शिव जी की आराधना भी कर सकती हैं और राहु का जप अवश्य कराएं। अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो राहु का जप करा करके आप पाएंगे कि आपका जो समय है वो अच्छा होने लगा, कुछ आपको शांति मिल जाएगी। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए देखते हैं क्या है। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम अरविंद मिश्रा है। मेरा जन्म जो है 4 जनवरी 1990 को हुआ है, 12:12 AM। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी नौकरी और विवाह के कब तक योग हैं, कब तक विवाह होगा? जी अरविंद मिश्रा जी बताएं, आपकी कुंडली हम देख रहे हैं, आपकी जो लग्न है कन्या लग्न है और राशि आपकी मीन है। मीन राशि के जातक बड़े ही अच्छे स्वभाव के होते हैं और आपका बड़ा ही अच्छा व्यक्तित्व स्वभाव है और दुष्स्वभाव आपकी राशि है जिससे आपका मन स्थिर नहीं रहता है, चंचल आपकी प्रवृत्ति है। चंद्रमा आपके सप्तम में विराजमान है, स्त्रियों के प्रति बहुत ही आकर्षण आपका रहता है। आपका जो प्रश्न है नौकरी और विवाह को लेकर के, तो आप पुलिस में प्रयास करने जाने के लिए, आप पुलिस में जाने के बहुत प्रबल योग हैं और पत्नी बहुत सुंदर होंगी, आपकी स्त्री बहुत सुंदर होंगी। विवाह का भी बहुत प्रबल योग चल रहा है, 2021 लास्ट में आपका विवाह होगा, 2021 या 22 के शुरुआत में आपके विवाह होने की प्रबल संभावनाएं हैं और आप बहुत ही साहसी पराक्रमी व्यक्ति हैं। पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, पिता से आप मतभेद न करें, किसी भी प्रकार से पिता से अच्छे संबंध स्थापित करें। मनुष्य के जीवन में दो ही कर्तव्य हैं, माता पिता, दूसरे परमात्मा। इनका समय समय पर स्मरण करने से हमारे सभी कार्य बनते हैं, क्योंकि माता पिता इसलिए क्योंकि जन्म देते हैं और परमात्मा इस सुंदर शरीर की रचना करते हैं। इससे मनुष्य को चाहिए कि इन दोनों लोगों का समय समय पर स्मरण करते रहें जिससे अधिक ग्रह शांत हो जाते हैं। सूर्य इत्यादि ग्रह जो सबसे प्रबल ग्रह माने गए हैं, अगर हम मानव शरीर पा करके और अपने माता पिता को ही भूल जाएँ, उनसे उनका कहने उनके बताए हुए मार्ग पर न चलें, दिक्कत होती है। तो जैसा कि हमने आपके विषय में सुना है तो पिता से बहुत अच्छे संबंध आप रखें। जब आप पिता से अच्छे संबंध रखेंगे, प्रेम से रहेंगे, तो आप और भी आगे पाएंगे, जीवन में उन्नति देखने को मिलेगी। अगर पिता से आप अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, उनसे घर में कलह क्लेश होती है, तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप थोड़े से उपचार करके अपने जीवन में और भी उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री आपकी बहुत सुंदर होगी, आपकी कुंडली के अनुसार स्त्री बहुत, बस आपका मन स्थिर नहीं रहता है और अभी 2022 तक आपका समय जो है बहुत अच्छा नहीं चल रहा। 2022 तक आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देंगे, 7 जुलाई 2021 तक विशेषकर, 7 जुलाई 2021 तक आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद आपका धीरे धीरे समय बहुत अच्छा होने लगेगा, 22 आते आते आपको हर एक सफलता आप प्राप्त कर लेंगे।
एक दो साल में आपके जो जीवन में इतनी दिक्कतें चल रही हैं वो धीरे धीरे सभी शांत होंगी और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्या करना आपको, केतु का उपाय करना है। केतु के लिए कुत्ते को रोटी या बिस्किट और अपने ऊपर से नीला कपड़ा, एक चाकू, लकड़ी के बेंट का चाकू और 700 ग्राम उड़द की दाल, नीले फूल और कुछ द्रव्य, ये आपको अपने ऊपर उतार करके 7 बार शनि मंदिर में या जो शनि का दान लेते हैं उनको आप देंगे तो आप पाएंगे कि अपने जीवन में धीरे धीरे सभी कुछ। और वाहन सावधानी से चलाएंगे, वाहन आप सावधानी से चलाएंगे जिससे आपको जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप ड्रिंक लेते हैं तो वो भी थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा, स्वास्थ्य के लिए आपके लिए हानिकारक है। इससे खान पीन में भी आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि पेट में आपके दिक्कतें रह सकती हैं। ये ज्योतिष आपको आगे मार्ग सुलभ करने के लिए है। ज्योतिष ये नहीं कि कहता कि आपने हमसे पूछा कि हमने बता दिया कि आप एकदम से आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे या एकदम से आपके जीवन से कुछ, ऐसा नहीं है। ज्योतिष एक मार्ग को सुलभ करने के लिए, आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है या आपके जीवन में कोई दिक्कत आने वाली है या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे आने वाला समय हमारा क्या होगा, कैसे होगा, आप नहीं उभर पा रहे हैं, इस चीज़ को नहीं जान पा रहे, तो आप ज्योतिष की सलाह लेकर के, उचित सलाह लेकर के आप अपने मार्ग को सीधा कर सकते हैं, सुलभ कर सकते हैं। तो इसलिए आप एकदम घबराइए नहीं और आपका बहुत अच्छा कुंडली है और आने वाला समय आपका जो है 2022 के बाद जीवन में आप बहुत ही उन्नत करेंगे। आपने हमारे पिछले एपिसोड में कर्क लग्न के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की और अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सिंह लग्न के जातकों के लिए, सिंह लग्न का क्या स्वरूप होता है, क्या स्वभाव होता है और किस प्रकार उनका चरित्र होता है, उनका शरीर का गठन किस प्रकार से होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।